हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाला हूँ रिव्यू टोर्नेडो V2 M3x3 क्यूब का। तो स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन से। तो इसकी साइज जो 55 mm है, जो कि छोटी साइज है। एवरेजली क्यूब 55.5 mm के होते हैं। मैं भी 55.5 या फिर 56 mm के क्यूब यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा छोटा क्यूब है और मैं इसके साथ थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ। इसका वेट जो है 72 ग्राम है, लेकिन इसकी एफर्टलेस टर्निंग की वजह से जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी हल्का फील होता है। एंड बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस है क्यूब लेवल पे 1849 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड गुरु यूज़ करोगे तो आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे। एंड इस तरह आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं बॉक्स कटने की, तो इसके साथ हमें टूल मिलता है और इसके पीछे और एक्स्ट्रा टूल्स है, तो ये मल्टीपर्पज़ है। एंड इसके साथ छोटा वाला जो था वो टूट गया। मैंने गैनर कैरी के स्क्रू लूज़ करने के लिए यूज़ किया, लेकिन बहुत ही ख़राब क्वालिटी का था और वो टूट गया डायरेक्टली। लेकिन इसका मैकेनिज्म सही है जो है बाकी के टूल स्टोर करने का। एंड इसके साथ एक बॉक्स मिलता है जो कि सेम वॉल क्लिट वाला ही बॉक्स है, बस कलर चेंज करके दिया है। एंड साथ में पाउच मिलता है जिसका टेक्सचर अलग है, जिसकी वजह से हम इससे क्यूब को क्लीन नहीं कर सकते। एंड इसीलिए इन्होंने एक अलग से क्लोथ भी दिया है, जिसको हमारी लैंग्वेज में हम पोछा बोलते हैं। और एक कार्ड भी मिलता है, और इसका यूज़ अगर आप ATM में करोगे तो आपको 2 रात पुलिस स्टेशन में फ्री का खाना मिल सकता है। मैं तो इसका सेंटर कैप ओपन करने के लिए ही यूज़ करता हूँ। एंड एक बॉक्स है जिसके अंदर यूज़र मैनुअल और सॉल्यूशन है, जो कि हमारे कुछ काम का नहीं है। बात करते हैं शेड्स की, तो हमारे पास है RS-320 और WRM। तो वाइट सेम है, ब्लू भी लगभग सबका सेम ही है, एंड येलो भी मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आया, लेकिन ग्रीन में बहुत डिफरेंस था। WRM का काफ़ी डल था और टोर्नेडो का काफ़ी डार्क था। ऑरेंज की बात करें तो मुझे टोर्नेडो का डार्क होकर भी थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि डार्क जो शेड से जल्दी नज़र आते हैं। और रेड भी मुझे टोर्नेडो का बढ़िया लगा। टोर्नेडो के शेड्स बढ़िया है, काफ़ी अच्छा दिखता है इसके मैट फिनिशिंग की वजह से, और फोटोज़ भी काफ़ी अच्छे क्लिक हुए इसके मैट फिनिशिंग और ये शेड की वजह से। तो पर्सनली मुझे इसका लुक काफ़ी पसंद आया। तो बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, तो हम इसको कंपेयर करेंगे चाहिए कि दूसरे क्यूब से जो हमारे पास है, जैसे कि MS। तो सेंटर पीस देख सकते हैं आप, लगभग सेम है, मतलब उसी टाइप का सेंटर पीस है। UEM में भी लगभग उसी टाइप का है, लेकिन UEM में पहले बनाया था इसलिए उसके बाद मॉडिफिकेशन हो गए। आप एज पीस देख सकते हैं UEM का, जिसमें थोड़े ग्रूथ है। देन GMS में बहुत बड़े बना दिए गए, मतलब अंदर का पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा बनाया गया, जिसकी वजह से उसका वेट बहुत कम था। एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया अंदर का पार्ट, जिसकी वजह से शायद से क्यूब हल्का हो गया, लेकिन मैग्नेट वगैरह ऐड करने से फिर से उसका जो वेट है लगभग वैसे ही हो गया। और यहाँ पे आप लाइनिंग देख सकते हैं जो कि गैन क्यूब में रहती है, जिससे वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये भी सिस्टम इसमें है। तो काफ़ी इंप्रेसिव और यूनिक डिज़ाइन है इस क्यूब का। इस क्यूब में हमें एडजस्टेबल मैग्नेट देखने को मिलते हैं, जो कि इससे पहले हमें सिर्फ MGC Elite में देखने को मिलते थे। इसमें टोटल 5 सेटिंग है, तो ये सबसे वीकेस्ट सेटिंग है, तो सेकंड वीकेस्ट, मीडियम, देन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ऐसे टोटल 5 सेटिंग्स है इसमें, और इसको इजीली आप रोटेट करके आप इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो चेंज कर सकते हैं। तो यूजुअली क्यूब में क्या होता था कि मैग्नेट की पोजीशन ऊपर नीचे करके हम स्ट्रेंथ चेंज करते थे, लेकिन इसको अंदर डाला गया है। जब भी आप रोटेट करते हैं मैग्नेट को, मतलब वीकेस्ट सेटिंग को, वीकेस्ट सेटिंग पे एक मैग्नेट अंदर चला जाता है एज के, और उसके बाद डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा अंदर चला गया है, और जैसे ही मैं इसको बाहर निकालूंगा, 5th पे लाऊंगा, तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जबकि बाहर ज़्यादा निकलता है तब थोड़ा आवाज़ करने लगता है, तो मुझे पहले लगा कि स्प्रिंग नॉइस है, लेकिन बाद में पता चला कि ये मैग्नेट की आवाज़ कर रही है, कि इसमें कोई स्प्रिंग नॉइस है ही नहीं। तो आप सुन सकते हैं आवाज़, बात करते हैं इसके टेंशनिंग सिस्टम की। तो इसमें जो अंदर वाली डिस्क है उसका यूज़ करके हम स्क्रू टेंशनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है 1 पोजीशन पे है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ग्रीन हो गया, मतलब 2 पे आ गई सेटिंग। तो ऐसे ही हम इसको और टाइट कर सकते हैं, 1 मतलब वीकेस्ट, और जैसे आप आगे जाएंगे तो ये 5th है, पर्पल मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सेटिंग, यहाँ पे क्यूब सबसे ज़्यादा टाइट रहेगा। और एक रोटेशन दोगे आप इसको तो ये फिर से सेटिंग 1 पे आ जाएगा बड़े क्लिक के साथ, एंड ये फिर से लूजर सेटिंग पे आ जाएगा। एंड आउटर जो डिस्क है वो काम आती है स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम को एडजस्ट करने में। तो यहाँ पे नॉच है वो रेफरेंस रहेगी, तो नॉच
कि यहाँ पे अभी 1 है, मतलब ये स्प्रिंग जो है सबसे वीकेस्ट सेटिंग है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, तो अभी 2 हो गई, एंड और एक बार घुमाएंगे तो 3, 4 एंड 5, तो 5 सबसे स्ट्रांगेस्ट सेटिंग है, लेकिन जितनी ज़्यादा स्प्रिंग स्ट्रांग रहेगी कॉर्नर कटिंग उसकी उतनी ख़राब रहेगी, तो इसलिए मैं इसको 1 पे रखता हूँ। तो ये मेरी प्रेफरेबल सेटिंग है, टेंशन 2 पे एंड 1 पे स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम। बात करते हैं इसकी स्पीड और टर्निंग की, देखिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्मूथ है। तो आउट ऑफ द बॉक्स ये इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा अनकम्फर्टेबल था, लेकिन इसकी जो फीलिंग है बहुत ही बढ़िया है। ये लगभग कॉम्बिनेशन है टेंग्यून V1, टेंग्यून V2 और गैन क्यूब का, तो इसका जो प्लास्टिक है गैन क्यूब का फील देता है, लेकिन गैन क्यूब से कहीं ज़्यादा बेटर है। गैन क्यूब थोड़े फ्लिमजी और स्लो फील होते हैं, लेकिन ये क्यूब बहुत ज़्यादा फास्ट है, और गैन क्यूब से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। बात करते हैं इसकी कॉर्नर कटिंग, तो ये 15, 30 एंड 45 डिग्री फॉरवर्ड इजीली करता था, और एफर्टलेसली और स्मूथली करता है। और रिवर्स की बात करें तो रिवर्स भी ये 15 और 30 डिग्री इजीली करता है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करता था, लेकिन सेटअप और लूप के बाद ये करने लगा है। एंड अब बात करते हैं फाइनल थॉट्स की, तो जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो ये क्यूब बहुत ही बेकार था, मतलब अनकंट्रोलेबल था, बहुत सारे कैचेस थे, जिसका रीज़न इसको ठीक से सेटअप नहीं किया गया था, एंड लूप करने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि सिर्फ स्पीड लूप डाला जाता है जब इसको फैक्ट्री लूप से लूप किया जाता है, तो वो सिर्फ स्पीड लूप होता है, ना कि कोई अलग लूप सिलिकॉन लूप, तो वो क्यूब का परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ नहीं करता, सिर्फ क्यूब को स्पीड देता है। तो मैंने थोड़ा इसको सेटअप किया, मैंने सेटिंग 2 पे रखी एंड स्प्रिंग कंप्रेशन 1 पे रखा, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेशन जितना ज़्यादा रहता है कॉर्नर कटिंग उतनी ख़राब रहती है। एंड इसमें मैंने ब्रिज डाला, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा स्लो बना था, बहुत ज़्यादा फास्ट था टेंगुन जैसे। एंड उसके बाद मैंने इसमें काम डाला, फिर भी ये स्लो नहीं हुआ, फिर मैंने पीसेस पे भी काम डाला, फिर भी ये स्लो नहीं हुआ था, तो मैंने जो भी हेवी लूप मिला उसके 10-12 ड्रॉप डाल दिए पीसेस पे, और एक थोड़ा स्लो हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ल्यूब खाता है जैसे कि आयरस थ्रियम खाता है, तो इसमें ल्यूब डालने के बाद लगभग 800 से ज़्यादा सॉल हो गए, लेकिन ल्यूब जैसे कि तैसा है, सिर्फ इसमें ज़्यादा ल्यूब की ज़रूरत लगती है, लेकिन ये ज़्यादा ल्यूब नहीं खाता। और ल्यूब डालने के बाद इसका परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया हो जाता है, जो कि मुझे मिक्सचर लगा टेंग्यून V1 V2 और गैन 354M का, तो गैन क्यूब का जो प्लास्टिक का फील है उससे बेटर, थोड़ा बेटर फील इसमें मिलता है। टेंग्यून जैसी जो एफर्टलेस टर्निंग है वो मिलती है, स्मूथनेस मिलती है, और V2 जैसी स्टेबिलिटी, टेंग्यून V2 जैसी स्टेबिलिटी आपको इस क्यूब में देखने को मिलती है। तो इससे पहले अगर आप मुझे कोई क्यूब सजेशन मांगा था, मैं WRM 2020, उसके बाद WRM 2019, एंड उसके बाद बीच में कोई क्यूब था ही नहीं, डायरेक्टली RSM 2020 सजेस्ट करता था, लेकिन जो मिड रेंज में क्यूब है उन क्यूब से काफ़ी बेटर है, जैसे कि गैन 356M, गैन 354M या फिर MGC Elite, MS3V1, MS3V1 एनहांस, इन सभी क्यूब से क्यूब कई गुना बेटर है। सिर्फ आपको थोड़ा सेटअप करने की ज़रूरत है, थोड़ा ल्यूब करने की ज़रूरत है, और टर्निंग को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मतलब इसके हिसाब से एडजस्ट करने, खुद को एडजस्ट करने की थोड़ी ज़रूरत है। तो ये क्यूब आपको लेना चाहिए या नहीं, तो अगर आपका बजट 3000 तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली आपको WRM 2019 सजेस्ट करूँगा, जो कि बेस्ट क्यूब है। ये क्यूब बहुत ही बढ़िया, लेकिन WRM 2019 को टक्कर नहीं दे सकता, जो भी मतलब 3000 के ऊपर जो क्यूब है उनको टक्कर ही नहीं दे सकता। तो अगर आपका बजट 3000 तक एक्सटेंड हो सकता है, तो मैं WRM 2019 सजेस्ट करूँगा, उसके बाद WRM 2020 सजेस्ट करूँगा, और अगर आपका बजट सिर्फ 2500 तक ही एक्सटेंड हो सकता है, मतलब उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा आप कुछ ले ही नहीं सकते, मतलब बढ़ा ही नहीं सकते, तो ही मैं आपको एक क्यूब सजेस्ट करूँगा, क्योंकि 2500 के अंदर जितने भी क्यूब है RS 320 के बाद, उनमें एक बहुत ही बढ़िया क्यूब है। और अगर आप RS 320 से बोर हो चुके हैं, फिर भी आपके लिए ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसका फीलिंग बहुत ही अलग है और आप इसे बोर नहीं होगे। RS 320 बहुत ही बढ़िया क्यूब था, लेकिन लोग उसे बोर हो गए, क्योंकि उसका फीलिंग तो थोड़ा चॉपी था, और ल्यूब ख़त्म हो जाने पे उसकी कॉर्नर कटिंग बकवास हो जाती थी, लेकिन इस क्यूब में वैसा नहीं है। इस क्यूब का फीलिंग आपको एंड तक वैसा ही रहेगा, आप इस पे बोर नहीं होगे, लॉन्ग सेशन के लिए क्यूब बहुत ही बढ़िया रहेगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम इस क्यूब में मुझे नज़र आई कि इसकी साइज़ जो है 55mm है, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है, मतलब मेरे लिए तो नहीं है, मैं इस साइज़ से कम्फर्टेबल नहीं था, यही एक प्रॉब्लम मुझे इस क्यूब में नज़र आया। बाकी आप इसको डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं, अच्छे बजट में है, बहुत ही बढ़िया फीचर्स दे रहा है, बस आपको थोड़ा ज़्यादा हेवी ल्यूब डालने की इसमें ज़रूरत है। तो 1850 और मेरा कोड यूज़ करने के बाद आपको 1800 का ये मिल जाएगा, तो डेफिनेटली इस क्यूब को आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपका बजट 2500 से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये क्यूब बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इस क्यूब के साथ हेवी ल्यूब लेना मत भूलना, और मेरे लिंक से लेना, इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।